मतदाताओं ने कांग्रेस के अरमान ध्वस्त कर दिए। छत्तीसगढ़ में मिली जीत अभूतपूर्व है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की तुलना में पीछे मानी जा रही थी, लेकिन खेल पलट गया। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में चुनाव से 100 दिन पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके पार्टी ने सबको चौंका दिया था और नतीजे इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि मोदी का ये प्लान काम कर गया। मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की और उतनी ही रफ्तार के साथ रोड शो भी किए। मेरे परिवारजनों, यहां हम लोग बड़े गौरव के साथ माथा ऊंचा करके कहते हैं, दाल बाटी चूरमा हाड़ोती के सुरमा। लेकिन सुरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया। 9 नवंबर से मोदी ने राजस्थान में प्रचार शुरू किया था। 8 दिन के भीतर 16 जिलों में प्रचार किया, 14 रैली और 2 रोड शो करके मोदी ने माहौल बीजेपी के पक्ष में कर दिया। गालो जी कोनी मले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी कोनी मिले वोट जी। राजस्थान के जन जन की है यही पुकार, आ रही भाजपा सरकार। मोदी साथ राजस्थान, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने मध्य प्रदेश में 7 दिन के भीतर 15 जिलों में प्रचार किया और 14 रैलियां की। मध्य प्रदेश में बाजी अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने आदिवासी वोटरों को साधा। 22 जून से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। गण मंडला की यशस्वी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पर उनका स्मारक। 5 जगहों से ये यात्रा निकाली गई। 1 जुलाई को शहडोल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने रानी दुर्गावती को नमन किया और यात्रा का समापन किया। रानी दुर्गावती के जरिए मोदी ने राज्य के 21% आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की और जब चुनाव नतीजे आए तो मोदी की ये कोशिशें कारगर हुई, क्योंकि आदिवासी वोटर बड़ी ताकत बनकर उभरे। कोशिशें कारगर हुई क्योंकि आदिवासी वोटरों ने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। एमपी में 47 सीटें एसटी रिजर्व हैं, बीजेपी ने 24 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं। 2018 की तुलना में बीजेपी ने 8 सीटें ज्यादा जीती हैं।